हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको IDFC फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करके दिखाऊंगा, इसको रजिस्टर करके दिखाऊंगा कि आप लोग इसको कैसे चालू कर सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ करना, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड पे यहाँ क्लिक करना है। तो चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी डाल देनी है। कस्टमर आईडी जब आप लोग अकाउंट खोलते हैं तो आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर आपके अकाउंट नंबर या फिर डेबिट कार्ड नंबर आपको डाल देना है कोई सा भी। तो मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, डेबिट कार्ड तो अभी मेरे पास नहीं आया है, नया अकाउंट खोला हूँ मैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को आप लोग डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई पे यहाँ आपको क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद दोस्तों आपको एक एमपिन सेट कर लेना है, जो भी आप लोग एमपिन रखना चाहते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे दोस्तों जो एमपिन आप लोग नया डालेंगे बनाएंगे वही पिन कंफर्म कर देना है। दोनों में एक ही पिन डालना है, ऊपर वाले में भी वही पिन, नीचे वाले में भी वही पिन। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा फिंगरप्रिंट आप लोग इनेबल करना चाहते हैं या नहीं, तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन, ये हो गया है बिल्कुल। अभी यहाँ पे आप लोग लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है, एमपिन डालना है जो भी आप लोगों ने सेट किया था एमपिन। एमपिन डालने के बाद दोस्तों ये सिंपली आपका लॉगिन हो जाएगा। अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, ये लॉगिन हो चुका है। अभी आप लोग इसको कंप्लीट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग अकाउंट करंट का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, चेकबुक, डेबिट कार्ड, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। अभी मेरा डेबिट कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ है, लगता है आया नहीं है। तो यही था, अगर आपको बैंक जाना है तो आप लोग बैंक यहाँ से जा सकते हैं, लॉगआउट पे यहाँ क्लिक करेंगे ये लॉगआउट हो जाएगा।